नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स एज न्यूज में। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले वनडे मैच को लेकर रोहित शर्मा ने दिया एक बड़ा बयान, तो जानेंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंच रहे सबसे पहले। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में मात देने के बाद अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड से भिड़ने वाली है और तीन मैचों की इस वनडे सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के धुआंधार ओपनर रोहित शर्मा ने हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि रन बनाने की मेरी भूख कभी भी खत्म नहीं होती, मैं जिस भी सीरीज या मैच में खेलता हूँ तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि यह सीरीज और यह मैच मेरे करियर का पहला मैच है और मुझे पूरी जी जान लगाकर इसमें अपना 100% देना होगा। और अगर आपको अच्छा परफॉर्म करते रहना है तो किसी भी खिलाड़ी में इस सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। रोहित ने यह भी कहा कि अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलना हमेशा से ही मेरे लिए काफी खास होता है और मैदान पर दर्शकों का प्यार हमेशा ही मुझे मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की ताकत देता है। यह मेरे लिए काफी खुशी की बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज का पहला मैच मेरे घरेलू स्टेडियम में ही खेला जा रहा है। मैं और हमारी पूरी टीम यह कोशिश करेंगे सीरीज इस पहले मैच में जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम आपको रोहित शर्मा की मौजूदा फॉर्म के बारे में बताएं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हाल ही में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्होंने 5 मुकाबलों में 59 की औसत से 296 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा अपना यह बेहतरीन प्रदर्शन जारी रख पाएंगे? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिकेट जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। धन्यवाद।